चिट्टे के नशे के दलदल में धंसने वाली लड़कियों की लाइन लंबी होती जा रही है और कई लड़कियों को चिट्टे का सेवन करवाकर उनसे जबरदस्ती देह व्यापार का धंधा भी करवाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोगा के बुकनवाला रोड पर सामने आया है, जहां एक लड़की को नशे की हालत में कुछ महिलाओं ने एक गिरोह से बाहर निकाला है। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह गांव तरखान वध की रहने वाली है और उसे सुखदीप सिंह सुखा नामक एक लड़के ने सुमनदीप कौर और मंगा सिंह के पास घर का काम करने के लिए भेजा था। जब वह खड़ी होकर रो रही थी तो एक महिला ने उसे रोने के बारे में पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी उसे बताई कि किस तरह उसे चिट्टा खिलाकर चिट्टा बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और उससे देह व्यापार का धंधा भी करवाया जा रहा है। वहीं इस मामले में जब थाना प्रभारी अमनदीप कंबोज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लड़की के बयानों के आधार पर सुखप्रीत सिंह सुखा, सुमनदीप कौर के अलावा मंगा सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मोगा से ही हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। मैं जंगल ते मैनू दो आंटियां कढ के लियाईयां ने, मैं उन्होंने दस्या, मैं उपर खड़ी रो रही सीगी ते आंटी ने मैनू नीचे आवाज मारी, कहंदी बेटा की हो गया। ते फिर मैं उन्होंने दस्या कि आंटी आ गल है, इन्होंने मैनू धक्के ना रख्या होया, ना मैनू घरे जान दिंदे आ ते ना मैनू किते होर निकल दिंदे आ। ते आंटी कहंदी कोई गल नहीं, कहंदी बेटा मैं तैनू कढ दिन्नी, कहंदी इदां दी कीड़ी गल आ। मैं तकरीबन एक महीना पहला मोगे आई हाँ ते मैं मोगे दे नेड़ले पिंड तो बिलोंग करदी हाँ। इन्हां कोले मैनू किसे दे थ्रू भेजा गया सीगा, मैनू किसे मुंडे ने भेजा सीगा इत्थे कि ओह इदां घर दे काम करवाणगे तेथों, पर मैनू ए नहीं पता सी कि इह मैथों गलत काम करवाणगे। ते इन्हां ने मैनू अज तक ना मेरे घरे कोई पैसा दिता ते ना ही मैनू कदे पैसा कोई दिता, ते मैनू निकलन भी नहीं दिता, मेरा फोन भी खो के रख लिया। इन्हां ने ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਖੰਡਾ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਕਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਗਾਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਛ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ 370 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦਾ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ